हमारा एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या वो बहुत ज्यादा एंगेज्ड है, क्या वो बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, इससे पता चलेगा? या फिर वो ऑफिस आस के बाद काम करता है, इससे पता चलेगा? या फिर ये क्या कंसेप्ट है? मतलब शायद वो प्रोफेशनली दिखा रहा है, वो पर्सनली उतना अटैच नहीं है। हम इतना क्यों सोच रहे हैं यार, काम तो कर रहा है, क्या जरूरत है इसके बारे में जानने की, क्या जरूरत है इसके बारे में सोचने की? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम मिलके ये डिसाइड कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट के बारे में। यस, ये मैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। और इसको हम ना मिस इंटरप्रेट करते हैं एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन से। यस, बहुत ज्यादा ये इससे मिस इंटरप्रेट किया जाता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि यार एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज इक्विवेलेंट टू एम्प्लॉय इंगेजमेंट, बट यस, ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, बिकॉज ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। आप सेटिस्फाइड हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंगेज्ड होंगे, या फिर आप इंगेज्ड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेटिस्फाइड होंगे। इसको समझते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सेटिस्फाइड हैं। हम सेटिस्फाइड हैं इसलिए हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या ये दोनों चीजें सेम है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन साथ साथ चलते हैं, या ये कुछ डिफरेंट है? सो चलिए इस पे ही आज बात कर लेते। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशन जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं वो मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल आ गया मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे जाके सेशन भी देखने हैं, क्योंकि वहां भी बहुत सारे सेशन आने वाले हैं और आ चुके भी हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉय इंगेजमेंट के कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं, क्या है ये एम्प्लॉय इंगेजमेंट। एक ऐसी चीज है इंगेजमेंट, इसको समझते हैं। थोड़ा सा डाइवर्ट होके टॉपिक से, और डाइवर्ट तो नहीं हो रही हूं मैं, इंगेजमेंट का मीनिंग बताना चाह रही हूँ। यहाँ देखते हैं हम इसे पर्सनल से थोड़ा सा। इंगेजमेंट क्या होती है नॉर्मली, पर्सनल लाइफ में इंगेजमेंट क्या है? हम किसी के साथ इंगेज होते हैं, राइट? उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है कि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हम लाइफ स्पेंड करने को रेडी हैं, और हम अपना फ्यूचर देखते हैं उसके साथ। यस, इसी का मतलब होता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन। इनिशिएट करना किसी चीज को, वो होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज इंगेजमेंट। इंगेजमेंट सबसे पहला स्टेप होता है। अब वो रोका वोका मत कहिएगा मतलब ऑफिशियली जब आप किसी से बंध जाते हैं, बाइंड होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो दैट इज इंगेजमेंट। ओके, सो वो जो इंगेजमेंट है वो कब आता है? जब हम ट्रस्ट करते हैं, जब हमारा बिलीफ होता है, जब हम किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जब हमारे माइंड में कहीं ये सेट होता है, माइंड से हम ये सेट होते हैं कि नहीं यार ये परफेक्ट है। परफेक्ट है भी या नहीं भी है, लेकिन आई एम रेडी, नहीं मैं अब सेटिस्फाइड हूं, ठीक है, आई विल गो विद हिम, आई विल गो विद हर। ओके, सो ये है हमारा एंगेजमेंट। अब इसको डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, अब इसको इतने ही लेवल पे छोड़ के आगे आते हैं प्रोफेशनल लाइफ पे। अब ये एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या है, मैंने वहां पे बात करी माइंड की, प्रेजेंस ऑफ माइंड की, थॉट की, कि मैं मेंटली प्रिपेयर हूं किसी के साथ होने में, राइट? अब इसको ना प्रोफेशनल वे में बात करते हैं। प्रोफेशनल वे में इसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट को? द वे एम्प्लॉय इज अटैच टू द वर्क प्लेस। यस, मैं अपने माइंड से, थॉट से यहीं पर ही हूं, यही काम करना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं अपना फ्यूचर इसी में ही, या मैं देख रही हूं अपना फ्यूचर इसी में। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम इमोशनली अटैच्ड, आई एम कमिटेड टू इट। मेरा जो इमोशनल सेंस है, मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो माइंड है, मेरा थॉट प्रोसेस है, वो सब मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, मेरे काम से जुड़ा हुआ है, राइट? मैं जब तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे चैन नहीं मिल रहा है, नहीं यार मुझे ये काम कंप्लीट करना है। कनेक्शन विद द जॉब, कनेक्शन विद द वर्क प्लेस, कनेक्शन विद माई वर्क, डेडिकेशन टूवर्ड्स माई जॉब, डेडिकेशन टूवर्ड्स माई वर्क, दिस इज कॉल्ड एज इंगेजमेंट। माइंड से मैं सोच पा रही हूं कि नहीं मैं इससे कनेक्टेड हूं, मैं इस चैनल से कनेक्टेड हूं, राइट? दिस इज कॉल्ड एज इंगेजमेंट। ये सेटिस्फैक्शन से डिफरेंट क्यों है? जब तक आप इंगेज्ड नहीं है, जब तक आप फील नहीं कर रहे हैं कि मैं
इसी के लिए बना हूँ, ये मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है यार, मैं कमिटेड हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ। नाउ हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग एन इमोशनल फूल के मरना यहाँ जीना यहाँ, इट्स नॉट अबाउट दैट। मैं जब तक हूँ यहाँ मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ अपने काम से, मेरा काम इम्पोर्टेंट है, मैं इसके साथ कोई गद्दारी नहीं करूँगा, राइट? दिस इज कॉल्ड एज कमिटमेंट, दिस इज कॉल्ड एज डेडिकेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंगेजमेंट। ये कैसे आता है? अब इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम एज एच आर, हम कंपनी को? आपको उसे सैटिस्फाई करना पड़ेगा एम्प्लॉई को, उसको वो चीज़ें देनी पड़ेंगी जिससे कि उसे टेंशन ना हो और चीज़ों की। मतलब अगर वो मॉनेटरी सैटिस्फाइड नहीं है, अगर उसे लग रहा है कि यार ये काम मैं कर तो रहा हूँ ठीक है, मेरे को लग रहा है कि हाँ चलो कंपनी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन मॉनेटरी मेरी उतनी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है, मेरे बच्चे की फीस नहीं जा पा रही है, मेरे पेरेंट्स की दवाई नहीं आ पा रही है, और ऐसे एन नंबर ऑफ खर्चे हैं जो नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं, और मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो आपको उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये है हमारा रोल एम्प्लॉई इंगेजमेंट में। एम्प्लॉय कैसे इमोशनली अटैच हो पाएगा? वो तभी अटैच हो पाएगा जब उसके मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स फुलफिल होंगे, वर्क प्लेस अच्छा मिलेगा, वर्क एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा, ग्रोथ उसे करने का मौका मिलेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें मिला के उसको इंगेजमेंट फील करवाएंगी। यस, और वो तभी इंगेज फील कर पाएगा, तभी वो सेटिस्फाई हो पाएगा, राइट? सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि हम किसी से माइंड से थॉट से जुड़ पाएं। ओके, ये मॉनेटरी नहीं है सिर्फ ये, या फिर सिर्फ नॉन मॉनेटरी नहीं है ये, आपने किसी को झाड़ पे चढ़ा दिया ये वो नहीं है। झाड़ पे वो एक दिन चढ़ेगा, दो दिन चढ़ेगा, वापस उसे पता चल जाएगा 3 दिन बाद मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे वैसे ही चढ़ाया था, तो वो इंगेज नहीं होगा, उसका वो जो डेडिकेशन है अंदर से काम के लिए, वर्क प्लेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कभी नहीं आएगा। ओके, इसीलिए टाइम टू टाइम एम्प्लॉई इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, होली, अभी जैसे कोविड था तो बहुत सारी वर्चुअल एक्टिविटीज़ हुई एम्प्लॉई इंगेजमेंट जगह जगह टाइम टाइम पे। क्यों होती है? कि हाँ, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई, थोड़ा सा हमें अच्छा लग गया, थोड़ा सा हमारे एम्प्लॉई को ना बहुत अच्छा फील हो गया कि यार चलो ये काम कर लिया, वो कर लिया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लॉई इंगेजमेंट, राइट? ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है, मैंने कोई भी बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करी है, बिकॉज जैसे कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये क्या है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये 3 इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। वैसे कॉग्निटिव इंगेजमेंट और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बुक में लिखी हुई है, मैंने उनके बारे में इसलिए बात नहीं करी है बिकॉज वो आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि स्पेशली मुझे कुछ बताइए तो मैं बता दूंगी, मैंने भी पढ़ी है वो MBA और BBA में, तो वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ओके, सो वो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैंने ये प्रैक्टिकली आपको बताई है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंगेज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई फील कराने के लिए कंपनीज में करते हैं, वो सारी ये चीज़ें। इवेंट्स, अच्छे इवेंट्स होने चाहिए, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन होने चाहिए, एम्प्लॉई खुद से अच्छा फील करे घर में। जैसे कि घर में हमारे होता है, मैंने इंगेजमेंट की बात करी, घर में क्या होता है, कभी कुछ हुआ तो कभी हलवा बन गया, कभी खीर बन गई, कभी छोले भटूरे बन गए, मंचूरियंस बन गए। ओके, मतलब आप ये मत कहिएगा ये तो हमारे अक्सर बनते रहते हैं, मतलब प्लीज करने के लिए किसी को कुछ अच्छा बन गया वो मैं बात कर रही हूँ। ओके, कभी किसी को फेवरेट, ऐसा तो नहीं होता ना कि हर रोज हमारी फेवरेट ही डिश बने, कभी किसी को पैम्पर करने के लिए फेवरेट डिश भी बनती है, तो मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारी गुडविल इंक्रीज करता है। उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे यहाँ काम करना चाहेंगे, आना चाहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, राइट? कि यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे से रखती है अपने एम्प्लॉयज़ को, बड़े अच्छे रेप्यूटेशन है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा एम्प्लॉय हमारे यहाँ अप्लाई करेगा और उसमें से शॉर्टलिस्ट होगा तो वो हमारे यहाँ काम भी करेगा। और जब सब कुछ अच्छा रहेगा तो स्टाफ टर्नओवर भी कम होगा। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर इज जो एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं, सेटिस्फाई फील नहीं करते हैं, सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जो टाइमली चीजें उसे ग्रोथ के लिए चाहिए वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कितने टाइम तक रुकेगा, राइट? कितनी टाइम तक उसका मोटिवेशन रहेगा, कमिटमेंट रहेगा? सो स्टाफ टर्नओवर भी कम हो जाएगा। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट वेज, मतलब 3 इंपॉर्टेंस इसकी एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्यों जरूरी है, राइट? आई होप सो ये हेल्पफुल होगा, ये मुझसे किसी ने पूछा था, रिक्वेस्टेड सेशन ही है ये भी, प्लीज हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।